भोजपुर दर्शन न्यूज खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं न्यूज को देखें। दानापुर रेल मंडल अंतर्गत अभी भी बहुत ही कम लोकल ट्रेन का परिचालन हो रहा है, जिसके कारण रेल यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। रेल यात्रियों को पटना, बक्सर, बिहिया आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। हमारी बड़ी संवाददाता दिलीप कुमार ने रेल यात्रियों से वार्ता की, सुनते हैं रेल यात्रियों की बातें। आप कहाँ जाने वाली हैं? पटना। क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या ट्रेन नहीं मिल रही है? मॉर्निंग में जो एक पैसेंजर यहाँ 3 नंबर से 7-5 में चलती थी, उसको भी सुचारू रूप से चालू कर देना चाहिए, और एक पैसेंजर जाने के कारण उसमें इतना भीड़ हो रहा है ना कि कभी किसी के साथ आए दिन कुछ ना कुछ घटना घटते ही रह रही है। कल जैसे यहाँ पे एक लेडी का ज्वेलरी भी शायद सुनने में आया कि उनका ज्वेलरी बैग से निकाल दिया गया। इतना धक्का धुक्की हो रहा है, लड़के लोग इतना परेशान कर रहे हैं, और आए दिन हम लोग को पटना अप डाउन करना होता है, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए हमारा यही आग्रह है स्टेशन पदाधिकारियों से कि आप लोग साथ कल सदिशोपुर में लोकल ट्रेन के लिए हंगामा भी हुआ था, क्या कहें? ये जरूरी है, होना चाहिए, और लोकल ट्रेन जो भी है उसको चालू कर देना चाहिए। बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, आए दिन लड़कियां तो और भी परेशान है। सरकार करेगी गाइडलाइंस का पालन, की मगर स्वेटर में देखा जाए भीड़ जाता, क्या सरकार गाइडलाइन पालन हो रहा है? नहीं, ऐसे में तो ट्रेन चलाना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, ट्रेन को और बढ़ाना चाहिए अधिक से अधिक, तभी तो गाइडलाइंस का हम लोग ये करेंगे, फॉलो करेंगे। इसमें दोषी किसको मानती है? दोषी सरकार को ही मानेंगे और किसको मानेंगे। क्या नाम हुआ? पटना जाने थी हमें जी, लेकिन ट्रेन के अभाव में हम लोग को काफ़ी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। यहाँ तक कि लोकल ट्रेन नहीं होने के कारण, और एक ट्रेन जा रही है तो उसमें इतनी न हंगामे और इतनी न धक्का धुकी हो रही है कि लगता है कि वो कोई ना कोई ट्रेन की पटरियों का शिकार हो जाएगा। और ये प्रशासन या हमारी सरकार ये नहीं सोच रही है कि यहाँ से आरा से बहुत तादाद में लोग जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, अपनी जीविका के साधन के लिए हम डेली बेसिस पे आने जाने वाले हैं, लेकिन आज जो वो हमेशा झेल रहे हैं ट्रेनों के अभाव में, वो काफ़ी एकदम मैंने हद हो गया है। आज हम लोग बैठे बैठे इंतजार करते रहते, कोई ट्रेन नहीं है, और सुपर फास्ट में जब हम चढ़ जाते हैं तो हमें फाइन का सामना करना पड़ता है। तो हम आज अपना ये जाने का सफर तय नहीं कर पाते हैं, हमें बहुत दुख होता है। यहाँ तक कि पकेटमारी होने लग रही है, धक्का धुक्की जहाँ हो रहा है, कोई ज्वेलर्स छीन के भागने लग रहा है, यहाँ तक कि मैंने किसी किसी दिन तो यहाँ घटना होने की चांस भी बनी जा रही है। हम यही कहना चाहते हैं कि आखिर ये कब तक हम लोग झेलें? आरा में रहकर पटना जाने के लिए मात्र 1 घंटे के रास्ते में इतनी हम लोग धक्का मुक्की खा रहे हैं, तो ये आगे हम लोग